साथियों आज मैं इत्थे आया साढ़े श्री अमृतसर शहर का नारायणगढ़ इलाका है और जिथे मैं खड़ा है एक गऊशाला है नाम कामधेनु गऊधाम ट्रस्ट है जिहड़ा मैत्री बोध परिवार वालों चलाया जा रहा और मैं भी दसना चाहना कि इन्हां इस जिहड़ा परिवार है जां जिहड़ा ट्रस्ट है इन्हें साढ़े नाल कोविड के दौरान भी बहुत सारा काम किया और बहुत सारा जिहड़ा राशन है वह लोगों नूं लोड़ पैण दे उत्ते मुहैया कराया सीगा और अज मेरा इत्थे आउण दा मकसद की है इन्हां वल्लों मैनूं बुलाया गया मेरे मतलब मेरी खुशकिस्मती है कि इहो जी चंगी टीम वल्लों जिहड़ी शहर दा भला सोचदी है मैनूं बुलाया गया और मैं पहले ही ये गल क्लीयर कर देवां कि अपने लिए किसी दर पर झुका नहीं जरूरतमंदों के लिए कोई दर मैंने छोड़ा नहीं। अज मैं शहर वासियां नूं अपील कर लगा शहर वासियां की अपने सूबे भर नूं अपने देश वासियां नूं अपील कर लगा कि अज मैं जिस जगह दे उत्ते खड़ा है गऊशाला है ये वैसे सरकारी है गऊशाला पर सरकार वल्लों इन्हां ने अपने कोल ले ली बिना प्रॉफिट तो इत्थे किन्नियां गावां मतलब 7000 गज दे करीब जिहड़ी ये जगह है 2 किल्लियां दे करीब और 300 दे करीब गावां जिहड़ियां इत्थे रहिंदियां ने जिन्हां नूं रख्या जांदा है कि जिहड़ियां ना दुध दिंदियां ने जिहड़ियां आवारा सड़कां तों लैईआं जांदियां ने ये साडे शहर लई साडे शहर दी पवित्रता लई एक चंगा उपराला है और जिहड़ियां गावां तुसीं आले दुआले देख रहे हो किसे दीआं लत्तां ते पट्टी बज्जी है किसे दी लत्त टुट्टी होई है ये जिहड़ियां बुढ़ियां बीमार ते बेघर ते जिहड़ियां आवारा गावां ये दुध भी नहीं दिंदियां कि इन्हां नूं कोई प्रॉफिट हुंदा होगा ये जिहड़ियां गावां शहर दे विच आवारा तुरिया फिरदियां कई एक्सीडेंट का कारण बनदियां उन्हां नूं इत्थे लिआंदा जांदा और ये आउंदियां किस तरह ने शहर दे विच कि जिहड़े जिहड़े डेयरी फार्म ने जिन्हां दे उत्ते जां घरां च किसे ने रखियां जदों तक गऊ दुध दिंदी रही है रहिंदी है 5 मेरा ख्याल जदों तक उहदे सूए हुंदे आ 5 वारी उह बच्चा दिंदी है 10-12 साल दी जिहड़ी औसतन इहदी उमर है और उदों तक इह घरां दे विच रहिंदी है जां डेयरी फार्म दे उत्ते रहिंदी है जदों इहदे तों कुछ लाभ होणा बंद हो जांदा और इहनूं कढ के सड़क दे उत्ते छड्ड दित्ता जांदा और इह फीमेल गावां ने इहदे नाल तुसीं कई मेल जिहड़े मतलब देख सकदे हो डंगर देख सकदे हो उन्हां नूं जम्मदिआं ही बाहर जिहड़ा कढ दित्ता जांदा इत्थे मैं फर्क भी दसणा चाहुंदा कि हर बंदा जां हर जिहड़ी जिस्म है जां हर जिहड़ी किस्म है इंसानी कह लो पंछी कह लो जानवर कह लो कित्थे ते जिहड़े बंदे आ जिहड़े मतलब मेल असीं दुनिया दे विच विचरदे आ सानूं घरां दे विच मुंडा चाहीदा हुंदा ते कुड़ियां नूं असीं मेरा ख्याल है बई कई गर्भ दे विच हत्या हो जांदी आ जां कई वितकरा कीता जांदा पर इत्थे पुट्ठा इत्थे जिहड़ा फीमेल जिहड़ियां गावां उह चाहीदियां हुंदियां जिहड़े मेल ने उहनां नूं जम्मदिआं जिहड़ा मतलब बाहर कढ़िया जांदा इह फर्क हर रेशो दे विच हर जीवन दे विच फर्क आ जांदा और मैं कोई डेयरी फार्म वालिआं दा कसूर भी नहीं कहिंदा मैं घर वालिआं दा कसूर भी नहीं कहिंदा कि लोकां दे खर्चे भी बहुत ने डेयरी फार्मां दे उत्ते भी खर्चे बहुत ने इहदे लई सरकार नूं इह उपराला करना चाहीदा कि डेयरी फार्मां दे उत्ते जिहड़े जिहड़े डंगर हुंदे उहनां दे उत्ते टैगिंग होणी चाहीदी आ ते जदों उह ओवर एज हो जांदे आ जदों उह दुध देणा बंद कर दिंदे आ ते 2 साल जिहड़े डेयरी फार्म जां घरां दे विच गावां रखदे उहनां नूं सबसिडी देणी चाहीदी उहदा खर्चा जिहड़ा सरकार नूं पे जरूर करना चाहिदा तां जो सड़कां दे उत्ते आ के हादसे ना होण सड़कां दे उत्ते इहो जिहा मतलब जिहड़ी गंदगी ना फैले इहदे लई मिलजुल के जिहड़ा उपराला करना चाहिदा सारे शहर दियां सारे सूबे दियां इह गावां नहीं संभाल सकदे पर फिर भी जिन्ना उपराला शहर दे विच इक नंबर है टोल फ्री कारपोरेशन दा उहदे उत्ते मैसेज करदे ने लोकी जां कारपोरेशन दे विच इंटीमेट करदे ने उह कारपोरेशन वाले शहर दे विचों इत्थे आ के गां छड जांदे ने और समां बदल गया मतलब किसी के घर च कोई कुत्ता भी हुंदा सीगा ते मेरा ख्याल जो भौंकड़ों भी हट जाता बजुर्ग हो जाता सीगा ते उदों लोग उहनूं घरों नहीं सी कढ़दे हुण कुत्तियां दी जगह भी जिहड़ी है वह बैल ने CCTV कैमराज ने सेंसर ने लै ली कुत्ते अजकल खिडौने के तौर पर घर च रखे जाते हैं ना कि राखी के तौर पर दिल परचाउण नूं रखे जाते हैं और इहो ही हाल इन्हां गावां वछियां दा है कि जिन्ना चिर काम आउंदियां रहिंदियां ने उन्ना चिर इन्हां नूं घरां दे विच जां डेयरी दे उत्ते रख्या जांदा है बाद दे विच इन्हां नूं कढ के बाहर सुट दित्ता जांदा है इहो जी दुरदशा वैसे तो किसी की करनी नहीं चाहिए जिन्हों असी वरत्या होवे जिथों सानूं लाभ होया होवे और आवारा छड्डण दे नुकसान आ हुण मैं नैट दे उत्ते पढ़दा सीगा कि इह बीमार किद्दां हुंदियां इत्थे कई गावां देखो कि इह खाणा नहीं खा सकदियां क्योंकि सड़कां तों इहनां अपनी लोड़ दे भुख मिटाउण लई प्लास्टिक खाधा हुंदा और सड़कां दे उत्ते तुसीं देखो कई थावां ते इन्ने हमले करदियां ने जां इन्ने हमले कीते जांदे ने जिहड़े मेल इह गावां ने इहनां विच्चों कई वीडियोज़ तुहाडे सामने आउंदियां कि बंदा कदी मौके ते ही मर गया जां किसे दुकान दी भन्न तोड़ हो गई आ मैं डाटा इहदा कढ्या कि 2017 दे विच
पंजाब च एक गऊ सेवा कमिशन है, उन्हें दसिया कि 2.5 साल 300 के करीब जी बंद की मौत है वह इन एक्सीडेंट्स के करके हुई है। और 2018 च 114 बंदे पंजाब मरे ने। 2019 तो 20 इंडियन एक्सप्रैस की रिपोर्ट है कि 27,000 गावं देश दे विच रेलवे ट्रैक दे उत्ते आके गड्डियां थले मरिया ने। और इहदे नाल कई थावां ते तुसीं झुंड देखदे हो, फसलों खराब, इस तरीके दे जिहड़े नुकसान ने उन्हां नूं रल मिल के बचाया जा सकदा। और इस टीम वल्लों ये मैत्री बोध जिहड़ा परिवार है इस टीम वल्लों ये उपराला किया गया ये शहर की। इत्थे कई लोग ने वो नुक्ताचीनी भी करते हैं भी पता नहीं ये किहड़े पासे नूं तुर पिया, किसी की किसी नाल आस्था हैगी आ जां नहीं हैगी। मन्नण नूं तुसीं रब नूं मन लो वह भगवान है, नहीं मन्नणा तो साक्षात रब नूं भी ना मन्नो भी वह कोई चीज़ नहीं हैगा, वह बंदा ही हैगा वा। मेरा यह मकसद नहीं है, मेरा यह टीचा है कि शहर की सफाई दे विच इन्हां दा योगदान है, शहर के नुकसान नूं बचाउण दे विच इन्हां दा योगदान है। उस उपराले लई अज मैं इन्हां कोल आया। और इन्हां कोल जिहड़ा अगों प्लैन है उहदे लई है कि अजे तो जिहड़ा जिहड़ा हैगा गोहा ते कूड़ा कूड़ा करकट है इहनूं डंप ते सुट्टिया जांदा जिथे कूड़ा करकट शहर दा जांदा। और बाद विच इन्हां ने एक स्टोरेज दा प्लान जिहड़ा कीता तैयार, वह खाद उहदे तों तैयार की जाऊगी। और 50 लाख रुपया मेरा ख्याल सरकारी इहदा पास हो चुका जिहड़ा इत्थे बायोगैस प्लांट लगेगा, वह भी समय के अनुसार एक वक्री है मिसाल पैदा करने की कोशिश कर रहे। और कल्ले नहीं कर सकते, मैं शहर वासियों को कहना चाहना तुहाडे साथ दे तुहाडे उपराले की लोड़ है। और इस गऊशाला का अज की तरीक दे विच करीब 10 लाख रुपया जिहड़ा पर मंथ जिहड़ा खर्चा है, 300 के करीब गावां ने और 3300 रुपया जिहड़ा पर गां इहदी कॉस्ट आउंदी उहदे खाने दी उहदे चौकर दी नाल उहदे मैडिकल दी। इत्थे मतलब डॉक्टर भी रख्या होया, कईआं जिहड़ियां गावां ने उहनां दी सर्जरी कीती गई है। और 3300 रुपया बड़ा एवरेज आ मैं तुहानूं दस्सिया, और वह खर्चा जे घट है क्योंकि इन्हां गावां दे पेट दे विच वारा फिर फिर के वारा खा खा के प्लास्टिक बहुत ज़्यादा और खाण दा इन्हां दा जिहड़ा मैदा वह काम ही नहीं कर रहा, घाटे जिहड़ा उह भोजन खा रही आ। और प्रॉफिट जिहड़ा वो इतों जीरो है, कोई भी ट्रस्ट कोई प्रॉफिट तो वैसे नहीं कढ़ सकता। बड़ी इन्ना मैं कितने बहुत घट जाना और बहुत इस तरीके दे कामां दे विच मैं घट पैना, पर जदों मेरे दिल नूं कोई चंगा लगे मैं उत्थे जाके जरूर बोलदा और जरूर लोगों तक उन्हूं पहुँचाउण की कोशिश करदा कि ट्रस्ट है वैसे ही इहनूं प्रॉफिट जीरो रखना पऊगा ना। तो इत्थे कोई गावां दुध देण वालियां 5 दे करीब जिहड़ियां बुढ़ियां गावां ने उह दुध दिंदियां ने, और वह जिहड़ा दुध है इन्हां बाकी गावां दे जिहड़े वछे ने बच्चे ने उन्हां नूं ही दित्ता जांदा। और 19 दे करीब इत्थे मुलाजम है जिन्हां दी 2 लाख रुपया तनखाह है, और एक डॉक्टर का स्टाफ है जिहदे विच 45,000 रुपया उन्हां नूं पे किया जाता है। और इत्थे कई गावां देखो हुणे मैं देखदा सीगा कि उहदियां रसौलियां कढ़ियां गईआं ते एक रसौली होर उहदी लत्त दे विचों कढ़ी जाणी है, कईआं दीआं लत्तां दे उत्ते पट्टियां बज्जियां ने। इस तरीके इन्हां दी इत्थे सेवा की जाती और शहर दे विचों चुक के लिया जाता है कि शहर दे विच कोई हादसा ना वापरे। और इहदे विच जिहड़े लोग योगदान पा रहे ने और तुसीं भी किस तरह पा सकदे हो मैं दसना चाहुंदा कि इन्हां ने एक इह भी कीता कि कोई बंदा एक गां जिहड़ी उह जिन्ना चिर जींदी है 2-3 साल तो मेरा नहीं ख्याल उहदी किसी की इत्थे जिंदगी इस तों वध हो सकदी क्योंकि 8-9 साल तो पहले पिछे जी के आई हुंदी है, उहदा 3,000 दे करीब 3300 दे करीब जिहड़ा मंथली खर्चा कोई बंदा एक गां भी अडोप्ट कर सकदा। इसे तर्ज दे उत्ते पंजाब की बड़ी मतलब मशहूर फर्म है एवन साइकिल वाले 3 गावं मैनूं पता लगा कि उन्होंने अडोप्ट कीतियां ने। ESS ग्लोबल एक इमीग्रेशन सेंटर है, 7 गावं उन्होंने कीतियां ने, 20 दे करीब जिहड़ियां गावं उह लोकां ने अडोप्ट कीतियां होईआं कि असीं इहदा मंथली जिहड़ा खर्चा देवांगे किन्नी देर लई इहनूं अडोप्ट करना। और मैनूं हुण पता लगा कि इत्थे इहो जिहे लोक भी हैगे आ कि जिहड़े इहो जिही हालत देख ही नहीं सकदे, कईआं दा दिल नहीं हुंदा। मैं ते किसी एक्सीडेंट 'च वी चला जावां हुण ते आदत बण गई कि वड्डे तों वड्डे हादसे देखण दी वी। 1,20,000 रुपया किसी मतलब व्यापारी ने शहर दे उन्होंने भेजा इन्हों के आ मेरे वालों इन्हों के जिहड़ा तुसीं कोई पैसे वरतने चाहते हो वरत लो, मैं इत्थे आके देख नहीं सकता जिहड़ियां मैं वीडियोज़ इन्हां दीआं देखदा वां। और इन्हां दे नाल असीं जुड़ किस तरह सकते हैं हुण मैं उस गल दे उत्ते आउण लगा कि इन्हां ने एक वैबसाइट बनाई है कामधेनु गऊधाम.ऑर्गेनाइजेशन। उहदे विच इहदे विच इह करना की चाहुंदे ने कि ये इत्थे CCTV कैमराज ला के तुसी वैबसाइट के उत्ते इहनूं चैक कर सकते हो कि जे वह गां दे कंन दे उत्ते टैग लगा है कि तुसी जिहड़ी गां नूं अडोप्ट कीता है उहनूं पट्ठे पैंदे ने जां किस तरह उहदे नाल तुसी उहदी कोई सेवा, कई बंदे उपा भी करदे ने पंडतां दे कहण ते जां कुछ भी अपने मन दी तसल्ली दी कि गऊशाला दे विच चारा दित्ता जावे, मैं भी कई दफा गया वां। उस तरीके उत्ते तुसी जे इत्थे नहीं भी आ सकते फिजिकली तो तुसी इत्थे देख सकते हो
पांच छे महीने दे विच इन्हां दा प्लैन है कि जे तुसीं 2 रुपये भी इत्थे दान किया चाहे गुड़ की एक पेसी भी दान की तो तुहानूं लगेगा भी इत्थे मुलाजम ने वह गऊ दे मूँह दे विच पाई है। फेसबुक दे उत्ते इन्हां दा इही नां दे उत्ते पेज है कामधेनु गऊ जिहड़ा ट्रस्ट है डेली उहदे उत्ते जो ये करदे ने उहदे उत्ते पोस्ट करदे ने इंस्टाग्राम दे उत्ते पोस्ट करदे ने और जो ये चाहते हैं कि जो सानू डोनेट किया जाए एक नंबर च लिया जाऊगा और उहदी बकायदा जिहड़ा पोस्ट पाई जाऊगी उहदे उत्ते उह दस्या जाऊगा भी इस बंदे ने भेजिया उहदे उत्ते इह पारदर्शता जिहड़ी उह करना चाहते हैं। सारे चंगे घरां तों ने मैं भी दस दवां कि किसे मतलब लालच वस च नहीं एक सेवा दे विच इक शहर की सेवा दे विच जुड़े ने और इहदे विच इह की कहिंदे ने कि जे तुसीं पैसे नहीं देने तुसी इत्थे सीधे तौर दे उत्ते पट्ठे भेज दिओ तुसी दवाइयां भेज दिओ तुसी तूड़ी भेज दिओ तुसी चौकर भेज दिओ ते कई लोग जिहड़े आ नहीं सकदे ओह देखना चाहुंदे ने ते ओह इन्हां दे बंदे नूं फोन कर लैण भी पैसे किस तरीके दित्ते जा सकदे ने तुहाडे पैसिआं दा समान किन्ना आया और थोड़ी देर बाद ऑनलाइन जिहड़ी सेवा ओह शुरू कर देणगे और डोनेशन दे विच 2000 रुपये तों उत्ते कैश नहीं लै सकदे। ऑनलाइन जिहड़ा ये कैश है पेज अकाउंट दे विच गूगल पे राही तुसी दे सकदे हो एक रेजर पे है जी रेजर पे दे विच तुसी इन्हां नूं ओ पैसे दे सकदे हो और ओ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है और ओ तुहानूं टैक्स दे उत्ते रिबेट भी मिलदी है ते जे तुसी स्पष्ट कोई जानकारी इत्थे कुछ अपना हिस्सा पाउणा चाहुंदे हो उहदे लई ये मोहित मेरा ख्याल इत्थे इहदी सेवा ट्रस्ट वल्लों लगी है और इहदा जिहड़ा नंबर है 9852 5127 5122 7 ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਰੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇਹ ਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਇਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਸੈਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹੀਕਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 200-300 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1,10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਾਸੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਤਾਰਿਆ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣ ਦੀ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲਦਾ ਨਾ ਫਿਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਤਰੀ ਬੋਧ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਮਝਣ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।